इसकी डोज वगैरह कभी नहीं बताई? किसी को नहीं बताया था। अच्छा, ये जो मैं आपको बावदान लगा हूँ ना, ये मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। अच्छा, जो पहले ट्रैवल में गया था ना, मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे। अच्छा, और आपने सारी सीरीज की है, इसमें कोई ऐसा वाक्य जो आपको ना भूला हो, जो मुश्किल हो आपके लिए, या जहाँ पे आपने कहा कि नहीं बस अब छोड़ दो, चैलेंज खत्म करने पे आ गए? वो बस एक तो ये हुआ था हुंजा वाली साइड, ये अपना। अच्छा मोहम्मद भाई, जो आपने पहला ट्रैवल किया था, तो घर वालों का क्या रिएक्शन, घर वालों से पूछे गए थे या बिन बताए चले गए थे पहले ट्रैवल पे? पहला जो मैंने ट्रैवल किया था ना, मैंने तो बताया नहीं था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं टोबा टेक सिंह, और आज हम लोग करने वाले हैं मोहम्मद भाई का इंटरव्यू। आप लोगों को पता है कि मैंने पहले चैलेंज किया था ट्रैवल वाला, मोहम्मद भाई से इंस्पायर होकर किया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर सका। आज दूसरा जो है ना, ये चैलेंज आज मैंने किया है, और फाइनली आज मैं मोहम्मद भाई के पास हूं। लेकिन मोहम्मद भाई, क्या हाल है? अलहमदुलिल्लाह ठीक ठाक यार। आपने तो मुझे इतना इंस्पायर किया है, तीन चैनल देख लो मैं कहाँ से कहाँ तक आ गया हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। पहले ये बताओ आपका ये सफर कैसा रहा? सफर तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा है। तो चलिए सवाल जो आपसे पूछते हैं, तो आपने ये किस तरह YouTube चैनल स्टार्ट किया था? YouTube यार मुझे तो बहुत पहले से शौक है। अच्छा, ये कोई 5-6 साल हो गए हैं। अच्छा, मतलब काफी पुराने हैं। लोगों को इस बात का पता नहीं है, लोग यही कहते हैं कि भाई इसने 5 महीने चैनल बनाया, चल गया, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता मेरा और चैनल भी है मेरे। अच्छा, मैं वीडियोस लगी है मोहम्मद जैनी शॉर्ट्स के नाम, मैंने अनहाइड कर दिया ना, तो वहाँ सारी वीडियोस पड़ी हुई है 5-6 साल से। तो बहुत टाइम हो गया मुझे। ये किस वजह से मुश्किल थी? इस वजह से थी क्योंकि मेरे साथ एक लड़का और था, ये वजह से। हाँ, क्योंकि सेकंड की ये थी सलाब है, वो था जगह, तो सलाब की वजह से रास्ते बंद थे वाले, मुझे 10 वाली साइड से होकर जाना पड़ा। अच्छा, कोस्ता वाली साइड से होगी ना, वो तकरीबन 6-7 किलोमीटर ज्यादा बनता है। तो ये बहुत मुश्किल रहा है। अच्छा, जो आपने सारी जर्नी की है, इनमें सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या आपको लगा? सबसे ज्यादा मुश्किल मतलब क्या? सबसे ज्यादा मुश्किल जो होता है ना, वो खाना खाने का होता है। तो सेकंड लिफ्ट का ही होता है कि लिफ्ट बहुत मुश्किल से मिलती है, पहाड़ों में सबसे ज्यादा मुश्किल लिफ्ट मिलती है। अच्छा, मेरे ख्याल में ना सबसे ज्यादा खाने का और बाकी अकोमोडेशन का। अच्छा, काफी लोग आपके कमेंट कर रहे थे कि आप मस्जिद में मतलब रह रहे हैं, तो बाकी सारे लोग भी मस्जिद में रहना शुरू कर रहे हैं। मस्जिद में बताता हूं क्या सीन हुआ था। मस्जिद में ना, पहले तो हमने आपने देखा होगा, पहली मस्जिद में कहां रुका था? ये बेरा में हमने वहाँ जो बंदे थे ना, हमने सोना नहीं था वहाँ के, जो हमने पहले जाके देखा काफी लोग वहाँ सो रहे थे आगे, जो मुसाफिर होते हैं वहाँ ले, हम फिर लेटे वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि रात हम 2:30 बजे लेटे हैं और सुबह 4:30 फिर उठ गए, आधा घंटा 1 घंटा लेटे होने हैं, क्योंकि सुबह नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के फिर हमने 1 घंटा आगे गई, फिर वहाँ से निकल पड़े हैं। जो दूसरी रात हम सोए ही मस्जिद में, हमने सोना था और शाम जाके, वो हम लेटे लगे थे, वो भी हमने इजाजत दे दी थी एक आदमी से कि हमने भाई ऐसे सोना है, तो वो कहते हैं कि भाई आप ना लेटो, लेट वो कह रहे थे आप लेट जाओ, इजाजत दे दी थी हमने, लेकिन फिर अल्लाह की कहती है ऐसी, वो दूसरे बंदे हमें मिले, हाँ मैं मान पा, वो फिर हमें ऐसे आगे ले गए थे, तो हमने फिर वहाँ जाके रात डाली। अच्छा यार, आप फिर आ रहे हैं, मेरे घर के बिल्कुल करीब था, इतना ज्यादा दूर नहीं था, मेरी तरफ आ जाते आप, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, इस तरह करने से चैलेंज चैलेंज नहीं रहता ना? ऐसे ही है, क्योंकि जो आपने पहला चैलेंज किया था ना, उसमें आप अपने दोस्त की तरफ इस्लामाबाद होके थे, ऐसे ही है, वो चैलेंज नहीं रहता, वो मुझे पहले पता नहीं था इतना ना, वो काफी लोग मतलब कह रहे थे कि आप ये चैलेंज थोड़ी हुआ। हां, इस सीरीज के अंदर भी ना बहुत लोग जानने वाले तो कह रहे थे हमारे पास आओ, क्योंकि सीरीज में ना बहुत लोग जाने लग पड़े, हर सिटी में लोग कह रहे थे हमारे पास आओ हमारे पास आओ, लेकिन मैं गया नहीं, चैलेंज नहीं रहता। हां बिल्कुल, ये सिर्फ चैलेंज नहीं रहता। अच्छा, जो आपने मतलब ये सारा YouTube TikTok सारा कुछ कर रहे हैं, इससे कुछ अर्न भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? हां तो हो रहा है, इसलिए तो कर रहे हैं, वरना कौन पागल लगने लगेगा। ये बात पहले वैसे बात शौक की होती है, अगर मैं पहले ये पैसों को लेके चलता ना कि भाई मैं पैसे अर्न करूं, मुझे पैसे आए, तो बंदा कामयाब नहीं होता, क्योंकि इसके लिए बंदे को ना 3-4 साल लग जाते होते हैं, मेहनत करेगा बंदा फिर पैसे आएंगे। मुझे अगर मैं ये चीज सोचता ना पहले यार मैं पैसों के लिए काम करूंगा, ठीक है, मैं 6 महीने मेहनत करूंगा, साल करूंगा, उसके बाद मैं डिमोटिवेट हो जाना, मुझे पैसे नहीं आ रहे, मैं क्यों लगा रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। तो मैंने ये चीज नहीं फोकस रखी, मैंने फोकस रखा अपना गोल, कि मैंने या मुझे शौक या तो जिस बंदे को शौक है ना यूट्यूब का, वो ही कर सकता है, पैसा आने जाने वाली चीज है, पैसा बाद में खुद ही आने लग पड़ता है जब मतलब शौक पे लगा रहे, ये चीज होती है। अच्छा मोहम्मद भाई, जो आपने पहला ट्रैवल किया था, तो घर वालों का क्या रिएक्शन, घर वालों से पूछे गए थे या बिन बताए चले गए थे पहले ट्रैवल पे?
पहला जो मैंने ट्रेवल किया था ना, मैंने कल बताया था, मैंने कल ये बात बोली कि कल हो जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने ये बात बोली हो, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, मेरे घर वाले को भी नहीं पता, किसी दोस्त वगैरह को भी नहीं बताया, किसी को नहीं पता था। अच्छा, ये जो मैं आपको बावदान लगा ना, ये मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। अच्छा, जो पहला ट्रैवल में गया था ना, मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे। अच्छा, और वहां से वापस आने के लिए पैसे लगते, मैंने हुंदा जाना था। हाँ। मेरे पास एक लैपटॉप था। अच्छा, मैंने वो लैपटॉप सेल किया। अच्छा, वो 14,000 का लैपटॉप सेल हुआ। अच्छा, वो 14,000 हमने साथ देख लिया। यार लड़के मुझे इतना हैरान कर रहे हो, लैपटॉप तक सेल कर दिया, मतलब वापस के लिए ऐसे ही है। अच्छा, लैपटॉप मैं यहाँ सेल करके, वो ये बात मेरी आज तक मेरे घर वालों को भी नहीं पता। ये मैंने तब बतानी है जब मैंने पहली इनकम उनके हाथ में रखी, ये मैंने तब बात बतानी है। इनकम इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगी, तो ये बात मैंने फिर उनको बतानी की मैं लैपटॉप सेल कर गया था, आप इसे 3-4 लैपटॉप जैसे मर लीजिए, ठीक है ना? तो बस अच्छा, एक और बात आपसे पूछनी है कि जब आप ट्रैवल करते हैं फ्री, तो पैसे लेके जाते हैं, ये क्या सीन होता है? या पैसे कार्ड वगैरह होता है? पैसे बिल्कुल पैसे होते ही नहीं, पैसे मेरे पास होते हैं बैकअप के लिए, कम से कम 15-20 हज़ार ना, ये मेरे पास जो मेरे पॉकेट में होते हैं ना, वो रखता हूँ, क्योंकि 100 जरूरतें बंदे को पड़ जाती है। जैसे कि पहली सीट में ना मेरा मोबाइल टूट गया, मेरा मोबाइल टूट गया था, तो मैंने भी ना वो मानसेरा से नया लिया था, ताकि मेरा सेम नहीं चल रही, क्योंकि बेसिक जो चीज होती है ना, वो मैं नया ले गया था, पैसे होना जरूरी है। अच्छा, ये जो आप सीरीज करते हैं, इसमें मतलब कि वीडियो वहां पे अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं या सारी सीरीज खत्म करके घर आके अपलोड करते हैं? वहां ना नेट नहीं होता, तो अक्सर इस पहली बार मैंने ऐसे किया है कि एक सीरीज अपनी वहीं अपलोड कर दी, एक एक्चुअल बार अपलोड, बाकी सारे मैंने इधर आके अपलोड किए। अच्छा, घर आके ऐसा होता? हां। अच्छा ठीक है। अच्छा, बाकी एडिटिंग वगैरह या सब कुछ, इससे कितना टाइम आपको लग जाता है? एडिटिंग नहीं यार, डिपेंड करता है वीडियो की एडिट किस तरह की कर रहे हो आप। मेरी वीडियो होती है 24-30 मिनट प्लस इतने की होती है, तो मुझे 3-4 घंटे लग जाते हैं, मेरा हाथ सही हुआ वो कर करके ना, 3-4 घंटे मुझे लगते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा जो हमने सीरीज की है, मजा किस सीरीज में आया? मजा मुझे आया है सबसे पहली सीरीज में सबसे ज्यादा मजा आया। और क्या वजह ये कि मुझे लोग बहुत अच्छे मिले हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि तब ब्यूटी भी ज्यादा थी और लोग भी मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। लोग कहते थे कोस्टा आने जा रहा, मैं कोस्टा आने चला गया था। अच्छा, वो बड़ा अच्छा सीन रहा था मेरे लिए। अच्छा, ये मतलब कि पहले प्लान करते हो कि मैंने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना है या क्या सीन है? नहीं नहीं नहीं, प्लान कुछ भी नहीं होता, फिर अब इतना होता है बस, यहाँ से ना प्लान इतना करता हूँ कि मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है। अच्छा, और यहाँ खत्म करना है। जब ये प्लान होता है, उसके अलावा मेरा कोई प्लान नहीं होता, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, कुछ भी नहीं होता। अक्सर ना ऐसे होता है, मैंने जो गया था ना उदा के लिए, मुझे पता ही था रास्तों का। अच्छा, रास्तों का पता नहीं होता कि मैंने यहाँ से इधर को जाना है इधर को नहीं जाना, वो मैं लोगों से पूछ पूछ जाते हैं। अच्छा, काफी लोग कह रहे हैं कि आप जो मतलब यहाँ से तो अपना चैलेंज करते हैं, वापसी जगह से हूँ तो चीज वही होगी ना दोबारा, लोग तो चेंज होंगे, राइड भी चेंज होगी, खाना बहुत सारी कर लेता है ना, थोड़ा एंटरटेन कर लेता है ना, वो तो एक जगह मैंने पहुंचना है बस, वो एक कैरी तो मैं वहाँ पहुंचना है, पहुंच गया हूँ, ये कैरी है मेरा। अब ये तो नहीं मैंने वापस भी आना, पैसे नहीं होता, ये बहुत मुश्किल। अच्छा, ये जो आपने सारी सीरीज की है, इसमें कोई ऐसा वाक्य जो आपको ना भूला हो, जो मुश्किल हो आपके लिए, या जहाँ पे आपने कहा कि नहीं बस अब छोड़ दो, चैलेंज खत्म करने पे आ गए? वो बस एक तो ये हुआ था हुंजा वाली साइड, ये अपना चाइना बॉर्डर वाली साइड पे। अच्छा, जहाँ एक जगह ऐसी आ गई जहाँ लिफ्ट ही नहीं मिल रही थी, ठीक है ना, एक जगह ऐसी आ गई जहाँ हमें हर बंदा कह रहा था कि सलाब आ गया। वहाँ मैं बहुत डर लगा कि यार हम कहीं हमें कुछ हो ना जाए, ये मैं वीडियो यहीं खत्म कर दूँ, यहीं चला जाऊँ, लेकिन मैंने कहा यार अगर अल्लाह ने मौत लिखी है ना तो मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, मुझे नहीं लिखी तो मैं भाई नहीं जा रहा, तो दिमाग में ये चीज हमेशा रखता हूँ, डरना नहीं चाहिए बंदे को ना, दिमाग में एक चीज हमें चाहिए, अल्लाह ताला ने आपकी मौत लिखी है ना तो आप उसकी तरफ जा रहे हो, अल्लाह ताला खुद लेके जा रहे हैं, अगर नहीं लिखी तो कौन मार सकता है आपको, बस अपना जो काम है वो करो। सही है। अच्छा, मेरा बिल्कुल भी अब प्लान नहीं था, मेरा दिल नहीं था कि मैं आ जाऊँ, तो मैंने कहा बस जाना ही जाना है, जो भी हो गया ना, अब मैंने भी चैलेंज किया तो पूरे ही करते हैं, मतलब अल्लाह पाक की मदद साथ होना तो कुछ भी नहीं। सही बात है। अच्छा मोहम्मद भाई, आपने तालीम कहाँ तक हासिल की है? तालीम मैं फिलहाल कर रहा हूँ। अच्छा, मैं सीएस कर रहा हूँ, 14 सेमेस्टर है फिलहाल, पेपर ही चल रहे हैं, अभी 3 हो गया है माशाल्लाह, ये थर्सडे को पेपर है मेरा। अच्छा, कल मोहम्मद भाई का पेपर था, तो इसलिए ना मैं एक दिन लेट आया हूँ, सिर्फ इसी वजह से। नए जो क्रिएटर हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यार नए क्रिएटर आजकल ना हर बंदा ब्लॉगिंग कर रहा है, और अच्छी बात भी है, करनी भी चाहिए, लेकिन फैमिली ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, उस चीज का बहुत लाभ है, ठीक है ना। बंदा आजकल ना पाकिस्तान में ब्लॉगिंग हर बंदा कर रहा है, लेकिन बंदे को चाहिए कंटेंट ऐसा बनाए जो किसी ने ना बनाया हो, यूनिक बनाए, यूनिक कंटेंट बनाए, वही चल रहा है। सही है। क्योंकि एक बंदा पहली बात है नॉर्मल सा बंदा है, मशहूर नहीं इतना, ना कोई जानता है, कोई भी नहीं जानता उसको, ठीक है। अब वो आगे ब्लॉगिंग करे, मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ, कोई प्रश्न नहीं लेगा देखने का, ठीक है ना।
कोई बंदा ऐसा कोई चैलेंज बना ले कि मैंने ये करना है जो किसी ने ना किया हो वो काम करे, तो पहले पब्लिक अपने साथ एंगेज करे उसके बाद अपना ये काम करे। तो हमेशा बस ये चीज फोकस रखो कि अपना कोई यूनिक कंटेंट बनाओ, लेकिन अपना बनाओ। अच्छा वो फैमिली बैकग्राउंड से याद आ गया मुझे, काफी लोग कह रहे थे कि आप बैकिंग पैसे मीटअप करें, काफी पैसे मीटअप करें, वो क्या सीख यार मीटअप पहली मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई है मीटअप करके। हां अच्छा उसका क्या सा एक्सपीरियंस था जो आपने पहले मीटअप किया? मैंने करना नहीं था, वो मेरे साथ जो लड़का था ना, मैं गया था अपनी कोई चैलेंज वीडियो बनाने के लिए, कोई वीडियो बनाने के लिए ना, तो वहां वो लड़के मिले, वो मिलने जा रहे थे, मैंने कहा आप भी चलो। अच्छा मैं भी चला गया मिलने के लिए, मैंने सोचा मेरा कंटेंट मैं भी बना लेता हूं। सही है। वो मैंने कंटेंट बनाया, वो वायरल इतना हुआ, वायरल हुआ, व्यूज तो काफी अच्छे खासे हैं, बहुत व्यूज आया यूट्यूब पर, और टिकटॉक मिलियंस में गए हैं। अच्छा माशाल्लाह। वो रजत भट्ट ने मेरी वीडियो देखी है, रजत भट्ट ने अपने चैनल के ऊपर लगाया। अच्छा अपने चैनल के ऊपर आप शायद मैं आपने क्लिप देखा, उसने बोला है भट्ट साहब को, बोला है कि भट्ट साहब आप मशहूर हो गए, आप बच्चे वगैरह मेरे पीछे लाओ नहीं है। अच्छा तो ये चीज ना बड़ी वायरल गई थी। अच्छा तो मेरी गलती थी, मैंने दोबारा कभी भी ना करूँ तो मिलने के लिए ना। नहीं वजह क्या मतलब, वजह ये है बंदा खुद बनाए अपने आप को ना, बिल्कुल वो क्या जाकर उनको मिलना है, बस बंदा मिले तो बाहर में वो मिलते नहीं है, लोग ऊपर से मारी ये सब करते हैं, अटैक कर रहे हैं मैं नहीं वो अटैक नहीं करता, ये तो आप इंटरव्यू कर रहे हो ना, ये चीज और है, एक चीज ये है बंदा किसी घर जा घर के भाई जा खड़ा हो जाए, ऐसी पूछ के आए हो ना, बिल्कुल मतलब कि बिन बताए किसी के इस तरह, वो चीज वो गलत है, वो चीज वो गलत। कल मैं देख रहा था एक वीडियो ना, वो दुलकर नैन के घर एक लड़का गया लाहौर से। अच्छा वो ना दुलकर नैन भाई के ना घर गया, बाद में उसने सारी उसकी लोकेशन रिवील कर दी है, कहां से कहां तक जाना है, वो लोगों को कह रहा है कि अब आप भी जाएं। मैं इस बात बताता हूं आपको, एक मैं जो वीडियो बनाई थी ना नासिर मदनी वाली जो मिलने गया था, उसमें नासिर मदनी साहब के घर गया था, बिल्कुल ठीक है ना, तो उनके जो नेबर थे वो मुझे जान गए, उन्होंने मुझे बुलाया। अब वो वीडियो के अंदर उनका घर नजर आ गया, बिल्कुल ठीक है, वो टिकटॉक पे इतना वायरल हुआ, लोग उनके घर जाने लग पड़े। अब उनका मुझे बताया अपने नंबर से फोन आया नासिर मदनी साहब का, तो कहते बेटा मैंने आपको बोला भी था आप वीडियो ना लगाओ, लेकिन आपने वीडियो लगाई, मैंने कहा मुझे तो पता ही था इतनी वायरल होनी है, तो फिर मैंने उनके कहने पर टिकटॉक से ना वो पार्ट डिलीट किए सारे, उन्होंने कहा आप डिलीट कर दो, मैंने डिलीट कर दिए। तो यार ऐसे बिना पूछे किसी के बंदा घर ना जाए अच्छा है, तो मैं तो खुशी होती है। इस बार पहले मैं गया था ना वीडियो बनाने के लिए तो कोई जानता नहीं था, इस बार मैं गया हूँ माशाल्लाह हर जगह बंदे मिले, हर जगह बंदे मिले हैं, माशाल्लाह पिक्चर बनाई है साथ, तो अच्छा लगता है यार, खुशी मिलती है, बंदा मेहनत करता है उसके बाद लोग मिलते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो उसका क्या सीन होगा? क्योंकि जब बंदा मतलब फेमस होता है तो काफी लोग कहते हैं अब इसे हवा चढ़ गई है, ये हो गया वो हो गया, हर बंदे का मैं जवाब देता हूँ। अच्छा। मैसेज करते हैं जब टाइम होता है ना, मैं हर बंदे को रिप्लाई देता हूँ, अब इतने ज्यादा मैसेज हो गए अब रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, तो लोग समझते हैं भाई आप रिप्लाई नहीं देते, ये नहीं है वो नहीं है, अब उनको क्या पता मुझे कितने मैसेज आ रहे होते हैं, वो पता मेरे पास बैठे हो मेरे पास है तो उनको बताऊँ, बाकी मिलने के लिए तोबा टैक्सी में इधर ही घूम रहा होता हूँ मैं आवारा, बस जहाँ मर्जी मिलने हम तो भाई हाजिर है। अच्छा इन फ्यूचर क्या प्लान है आपका? इन फ्यूचर यार फिलहाल तो अभी मैं यूट्यूब पे फोकस कर रहा हूँ, साथ में अपनी स्टडी भी कर रहा हूँ, स्टडी भी चलती रहेगी, ये नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, बाकी जब तक यूट्यूब कर रहा हूँ यूट्यूब ही है, अगर अगर इस पे अच्छा तरह कामयाब कर दिया तो ये तो करना ही है साल, बाकी अपना मतलब फोकस ना दूसरे काम पे भी रखे, जो पैटर्न वर्क होते हैं ना उसमें भी रखे, इसका क्या पता कब बंद हो जाएगा, बनाओ पूरा डिपेंड ना होना, पूरा डिपेंड ही होना चाहिए यूट्यूब पर, ठीक है ना, तो ये बस गोल है इधर, बाकी सीरीज वगैरह का कर रहा हूँ आगे, इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोज आने वाली है इनके लिए, वो सरप्राइज है, सरप्राइज है इनको देखेगा कि आगे कहां पे जाना है, बहुत अच्छी चीज आने वाली है। अच्छा इससे पहले जो आप चैलेंज करते थे मतलब कि वो 1 रुपए से 100 तक या इस तरह जो, वो क्या सीन था यार उसमें? किसी होटल में रहना सर्वाइव करना, किसी थाने में सर्वाइव, वो क्या था वो? तो मैं फिलहाल वैसे ही मतलब कि किसी यूट्यूबर की वीडियो देख ली, उसकी वीडियो देख के मैंने बना दी पकड़ के, भाई ऐसे अगर ये भी कर लो शायद ये भी, उस पे मेरे व्यूज आते थे, आप यकीन माने मैंने आज वीडियो लगानी 10 दिन बाद जाके मेरे को 100 व्यूज आते थे। ये मेरे पास ना मैंने आज तक स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं मेरे, तब मेरे पहले 4 महीने तो मेरे 140 सब्सक्राइबर 133 सब्सक्राइबर थे 133, ठीक है, उसके बाद मेरी कोई पहली वीडियो वायरल हुई है वो भी कोई अल्लाह की तरफ से हो गया हुदा वाली, उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता होने लग पड़े, लेकिन बस यही चीज है बंदे को लगा रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, कोई कंटेंट अच्छा बनाए चाहे चैलेंज बनाए ब्लॉगिंग करे लेकिन अच्छी करे कोई दिखाए फिर ही चल रहा है, वरना बहुत मुश्किल आज के दौर में। अच्छा जब आप ट्रैवल करते हो सीरीज वगैरह उस वक्त सामान वगैरह क्या क्या ले जाते हो, या मोबाइल कौन सा यूज करते हो, या एडिटिंग किस पे करते हो, काफी चीजें मतलब कि जो क्रिएटर हैं वो खास करके ये चीजें काफी पूछते हैं।
यार मैं जब जाता हूँ ना वीडियो के लिए, मेरे पास एक पावर बैंक होता है, सही ठीक है, नहीं एक नहीं बल्कि दो पावर बैंक होते हैं, है। और कोई वाइफ वगैरह होती है चार्जिंग के लिए, सही कपड़े होते हैं अपने दो तीन जो चीज शर्ट्स वगैरह होती है ना, सही साथ ये वाला 13 है ये फोन लेके जाता हूँ। ठीक है, एडिटिंग वीडियो सब कुछ सारा कुछ मैं इस पे करता इसी हूँ, पे करते हैं। अपलोडिंग तक इसी पे करता हूँ, ठीक कोई है, ट्राइपॉड माइक नहीं वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ कुछ भी भी, नहीं, सिर्फ मोबाइल है सिंपल। हाँ सिंपल मोबाइल है, बाकी बैकअप के लिए मेरे पास चीजें पड़ी हैं, मतलब खुदा ना खासा मोबाइल चोरी होता है या कोई बिल्कुल गिरता है कहीं घूम जाता है, क्योंकि पहाड़ होते हैं खुदा, अक्सर मेरा एक सही बार दरिया के अंदर मोबाइल गिरने वाला था, मैं अच्छा वीडियो बना था, मैं आधे छूटने लगा था लेकिन बच गया, सही तो है वहाँ ये सीन होता है बंदा बैकअप के लिए लैपटॉप वगैरह कुछ चीज होती है ना कंप्यूटर वगैरह उस पर लॉग इन करके रखते हो, तो उसका मैं घर ही पड़ा होता है उसमें मैं अपनी चीज़ें लॉग इन करके रखता अच्छा, हूँ। जब आप ट्रैवल करते हैं या यहाँ कहीं पे स्टे करते हैं उस वक्त डर नहीं होता कि मोबाइल चोरी हो जाएगा, इतना महंगा मोबाइल है, आईफोन है, और इसके अलावा जो भी चीजें होती हैं वो चोरी ना हो यार जब मैं जाए। वीडियो बना रहा था, जब मैं किसी को खाने का जाके हाँ था, मोबाइल मेरा ना ऐसे मोबाइल होता है, अब हाँ मैंने बंदे को जाके ये कवर मैं उतार देता हूँ, ठीक है, सही व्हाइट है। मोबाइल ही होता है, अब मैंने बंदे को जाके खाने का कहना, उसने पहले फोन चला देखना, अच्छा फिर मुझे देखना, फिर नीचे जाकर सारा देखना, उसने कहना यार तेरे पास पैसे नहीं है, हाँ अक्सर ऐसे होता ऐसे ही है। होता है। मैं एक ना चैलेंज कर रहा था, वो कह रहा है यार देखो इसने कॉटन कॉटन पहनी है और कह रहा है कि पैसे नहीं है। वही ना, तो मैं मेरी आदत है जब मैं बंदा लिफ्ट दे देता है या खाना दे देता है ना, मैं उसको हर चीज बता देता हूँ, सही और ये है, बात किसी को नहीं पता, मतलब बैक कैमरा मैं उनको पे भी करता हूँ, अच्छा ये माशाल्लाह बात किसी को जबर नहीं पता, पता क्या होता है, अब मैं अब लोग काफी कहते हैं भैया फ्री खा रहे हो, फ्री खा फ्री रहे हो, यार कहते बंदा हैं। कितने का खाता है, मैं ज्यादा से ज्यादा वो बंदा मुझे एक रोटी देता है, इतना सा साधन होता है, बिल्कुल ये उनकी बिल्कुल बड़ी मेहरबानी है, ठीक मेहरबानी है, होती है। अब ये कितने का आ जाएगा, एक रोटी कितने की है, 15 या 20 रुपए की, ज्यादा ज्यादा बिल्कुल 20-30 की लगा लो, वहाँ ज्यादा बिल्कुल से ज्यादा महंगी 30 की लगा लो, 50 का साधन होता है, 80 रुपए मैं बिल्कुल फिर भी उनको इनसे डबल दे गया था, ये वीडियो को जबर बैक कैमरे में देता हूँ, जबरदस्त। यार मैं 3 दिन ट्रैवल पे रहूँ, दो टाइम खाना खाऊँ, ये मेरा 2 1500 होना मैंने, सही ठीक है ना, तो अगर मैं वीडियो के अंदर ही चीज बताने लग पड़ू ना, हाँ भाई मैं हाँ पैसे दे रहा हूँ ये पकड़ो हाँ पैसे, फिर वो ठीक मजा है, नहीं आता, वो चैलेंज भी नहीं वो रहता मजा नहीं रहता वीडियो ना। का, हाँ खाना मैं फ्री खाता हूँ, सही ठीक है है ना, अब मैंने वीडियो बनाई जाते उनका शुक्रिया अदा कर दिया, या कोई साथ बिल्कुल होकर कह दिया भाई पैसे आप उनको करा दो जो भी है, ठीक ऐसा ही है, है। अक्सर ऐसे हो गया, बाकी मैंने एक चीज प्लान की हुई है, ये जिन्होंने मेरी मदद की है ना, जो बातें करते हैं ना, जो कहते हैं ऐसा फ्री खा रहे हो, बिल्कुल तो उनके लिए इंशाल्लाह मुंह बंद करेंगे, सही मैंने है। वीडियो बनानी है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा जल्दी, तो ये एक चीज ना मैंने भी सोची हुई है, अभी मैंने भी आपके फिर आपको बताऊंगा। अभी अरे मेरा मेरे घर में इंशाल्लाह सारी चीजें नहीं, वो करने सरप्राइज देना वो खत्म हो जाएगा। हाँ अच्छा नाम तो चले ठीक है, हाँ नहीं बता, लेकिन बस ये नहीं होता बंदा पैसे देता है यार, इतना पैसे इतना भी अल्लाह माफी दे के सारा, बिल्कुल बाकी बाकी जो लिफ्ट वगैरह होती है ये फ्री में होती है, फ्री में होती खाना भी अच्छा जगह में पैसे नहीं भी मिलता, बिकॉज जो होते हैं ना वो अच्छे खासे दिखते हैं, है। उनको पता नहीं ना दे कोई मसला नहीं है, ठीक है बिल्कुल ना, जो होते हैं ना बेचारा पहाड़ों में हाँ, एक मतलब दुकान ढाबा है, टाइप हाँ वगैरह उनको लाजमी बंदा दे बैक कैमरा दे, लेकिन वीडियो का मजा ना खराब हो, इसी बात सही। में होती है, अच्छा ये बात तो आपने बता दी, लोग जो मुफ्ता कहते हैं कि मुफ्ता मुफ्ता मुफ्ता, मुफ्ता वो उनकी खैर है, यार हाँ पता क्या होता है नेगेटिव जो नेगेटिव कमेंट होते हैं ना, अब माशाल्लाह मिलियन रिव्यू आ रहे हैं उसमें, बिल्कुल कोई अगर आपको 10 लाख बंदा भी देख रहा है, तो चलो 1 लाख एग्जाम्पल, 1 लाख बंदा देख रहा है आपको, ठीक है, बिल्कुल उसमें आपको 80,000 लोग आपको प्यार दिखा रहे हैं, 20,000 बिल्कुल आपको नेगेटिव दिखा रहे हैं, मैं यार नेगेटिव नेगेटिव क्यों देखूं, मैं तो देखूंगा 80,000 वालों को, बिल्कुल नेगेटिव को बंदा मुंह ना लगाए, बस करी जाए जो करना है, जो बिल्कुल लोग काम ही नहीं कर सकते वो आगे बातें करते ऐसे रहे ही बस, है, ऐसे उनको ही बंदा है। फोकस ही ना करे, बस दफा करो अपना काम करो सही है। यूनिवर्सिटी, अच्छा इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं लड़के, यार मुझे मुझे भी बताओ यार ये थोड़ा सा मेरे अंदर कौन सा यकीन मानो है ही नहीं, नहीं यार बस बहुत कॉन्फिडेंस यार है, मेरे वीडियो अंदर ही में है, लोगों से बात करना, कन्वेंस करना मैं लोगों बोलता को, हूँ ये बहुत ना सारी चीजें, ये किस तरह आप सीखी है। ये चीज ना वक्त के साथ साथ आती है, सही है पहले मेरे अंदर भी था, मैं भी घबराता था लोगों के अंदर जाके वीडियो बनाऊंगा, सही पहले है टूर में मैं ना गया हूँ, तो सही रास्ते में कुछ चीजें आई, मैंने ना उनकी वीडियो बनाई नहीं, मैंने कहा सही यार लोग क्या सोचेंगे, लोग लोग क्या क्या आ सोचेंगे, गए, मैंने ऐसे वो ही चीजें गुजार के चला गया, घर आया घर आके पर इतना अफसोस हुआ यार काश मैं वहां बोल लेता, अब बोल लोग क्यों लेता। नहीं है, दूसरी बार क्या मैंने वो वीडियो बनाई, अच्छा तीसरी बार क्या मैंने सारा रिकॉर्ड किया, मैंने कहा लोग जो कहते हैं कही जाए, मैंने कहा इनको मिलने बाद में अपना बिल्कुल ब्लॉग कर रहा हूँ या मैं अपनी सेल्फ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना अपनी कर बिल्कुल रहा हूँ, मैं कहा लोगों की कर रहा सही हूँ, है तो बस यही चीज होकर लगा रहता हूँ, तो मसला ही होता सही। अच्छा ये सीन हुआ कभी भी आप वीडियो बना रहे हो लोगों को पता चल गया और वो आपको कहेंगे वीडियो क्यों बना रहे हो। वीडियो, हाँ एक दो बार हुआ है ऐसे, याद नहीं है लेकिन हुआ था, एक हुआ दुकान वो था कह रहे भैया वीडियो क्यों बना रहे हो, मैंने बता दिया कैसे वीडियो कर रहे हो, कहते भाई नहीं हाँ नहीं हाँ वो ये कह रहे हैं कि पिछले मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो, या हाँ आप पिछली लड़ाई वीडियो मतलब लड़ाई होने लड़ाई जा लड़ाई रही लड़ाई है। मैं हाँ बताऊँ, पिछली वीडियो में हुआ था बशाम के पास ना एक दुकान थी, अच्छा वहाँ मैंने चार्जिंग लगानी थी, मैंने उनको हाँ जाकर बोला मैंने ऐसी वीडियो बनानी है, सॉरी मैंने वीडियो बना रहा था, सारी रिकॉर्डिंग कर ली, अच्छा गाड़ी के अंदर चार्जिंग लगा के आगे बैठ गए, भाई कहते इधर आओ, सही मैंने कहा जी हमारी वीडियो बनाई है, मैंने कहा हाँ, कहते डिलीट करो, ऐसे गुस्से में अच्छा कहना कहना डिलीट कहना और डिलीट करो, सही है तो मैं घबरा आ गया, मैंने कहा भाई मैं डील कर देता हूँ, हुआ क्या है,
और भाई हम ऐसे लोग नहीं है, आप डिलीट करो, हमारी गाड़ी का नंबर है वो भी डिलीट करो। मैंने तो सारे सारे क्लिप डिलीट किए, ठीक है, बाकी दो जो तीन क्लिप थे ना मैंने वो ज्यादा लेके मैंने वो रख लिए, देखो गाड़ी का नंबर उनकी शक्ल वो मैंने नहीं छोड़ दी, वो मैं डिलीट कर दिया सब कर लिए, लेकिन थे पठान ही अच्छे थे। बाद में मुझे मैंने बताया ना लॉगिन करता हूँ फिर थोड़ा ठंडा हो गया। हाँ अच्छा, जब आप यहाँ से ट्रैवल करते हैं जो लिफ्ट वगैरह लेते हैं तो लोग किस तरह के होते हैं, लिफ्ट दे देते हैं या नहीं देते हैं, या रास्ते में बातचीत करते हैं, या डर नहीं लगता यार क्योंकि किडनैप ना कर ले? यार होता है अक्सर ना, मतलब जो ट्रक उगाने वाले हो ना उसमें कोई बंदे ऐसे बैठे होते हैं एकदम देख बंदे को डालने लग पड़ता है यार लगा इनके साथ बैठे कुछ करेगा, लेकिन होता नहीं है, नहीं इतना करते नहीं है, क्योंकि लोग भी डरते हैं भाई आजकल पाकिस्तान के हालात ऐसे ही है, लोग डरते हैं कोई चोर ना बैठ जाए, मतलब कोई चोरी ना कर ले आगे, ठीक है ना। जो बड़ी गाड़ी वाले होते हैं ना जो वेल सेटल्ड लोग होते हैं वो आपको लिफ्ट नहीं देते, मैंने अक्सर देखा है। मेरे साथ अच्छा ना, जब मैं इधर आया हूँ ना, ये मेरे साथ अभी हुआ है ऐसे, वो कह रहा है कि आजकल मतलब के दौर नहीं है कि लिफ्ट देने का, ये वो उसने सीन किया है। होता है सारे ऐसे डरते हैं भाई, डरना चाहिए, जो हालात है पाकिस्तान का बंदा डरता है, क्योंकि करोड़ की गाड़ी है, बंदा बैठे पर तो रखे किसने पूछना, पुलिस आगे कुछ नहीं करती, बिल्कुल तो गाड़ी ले गया, उसने कहना भाई हमें पता ही कुछ नहीं है कहाँ गया कहाँ नहीं, तो ये चीज होती है यार। अच्छा कितने आप फैमिली में, मेरे भाई वगैरह कितने? हम मम्मा पापा और तीन भाई बस, सही है, बाकी दो छोटे भाई हैं वो पढ़ते हैं, वो पढ़ रहे हैं। अच्छा आपका फेवरेट यूट्यूबर या सिंगर या कौन सा है जिसको आप देखते हो या मोटिवेट? फेवरेट यूट्यूबर यार, यूट्यूबर फिलहाल पहले मैं देखता था डक्की भाई के व्लॉग, अच्छा ये मैं देखता था ऐसे 4 से 5 महीने पहले, और RHS के व्लॉग, ठीक है ना। अब यकीन माने जब से यूट्यूब स्टार्ट किया ना 4 महीने हो गए, मैंने किसी का व्लॉग नहीं देखा, सही है, अपने काम पे फोकस, इतना टाइम नहीं लगता, जो बंदा देखने में टाइम जाया कर रहा है, आप अपने MB लगा रहे हो, नेट लगा रहे हो, आपका कुछ बन भी नहीं रहा, टाइम भी लगा रहे हो, जाया हो रहा है सारा कुछ, आप जो देख रहे हो आप खुद क्यों नहीं क्रिएट करते, आप खुद क्रिएट करो, खुद ऊपर जाओ, खुद पैसे कमाओ, ठीक है ना, लोगों को देख के टाइम वेस्ट कर रहे हो हर चीज, बहुत मैं चीज को अच्छा लगा। काफी लोग ना कमेंट कर रहे थे नीचे कि RHS को कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, ये क्या सीन है? मैंने आप मुझे मैं भी काफी लोग कहेंगे, मैं बताता हूँ उसके क्या हुआ था। RHS ने जब ये सीरीज बनाई ना उससे पहले मेरा ये प्लान था बनाने का, ठीक है ना, मेरे पास पहली बात तो भाई सीधी बात है मेरे पास पैसे नहीं रेंज हो रहे थे जाने के लिए, ठीक है, मैंने घर बता दिया था, मैंने भाई पैसे वीडियो बना ली, मैंने कहा मैंने जाना, मैंने कहा मैं हो जा रहा है मेरे पास पैसे नहीं रेंज हो रहे थे। तो फिर जब उसने सीरीज बना दी ना मेरे दिमाग में यार मैंने सोचा था ये करने का, इसने भी उसने लेकिन बनाया 5,000 वाला, मैंने 5,000 करना, मैंने सोचा मैंने कहा मैंने करना है यार, फिर मैंने कहा पैसे ना भी हो मैंने चीज भेज देनी है, मैंने लैपटॉप भेज के चला गया, मैं पहाड़ में जाए, फिर मैं गिर गया, गिर जाकर मैंने घर बताया फोन करके, मैं पहुंच गया इधर आ गया, मेरे इतना बोले फोन पे घर आया, घर आ गया, मतलब व्यूज अच्छा है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, अब जाता हूँ कुछ भी नहीं करता, मेरे जाओ। अच्छा ऑडियंस को आप कोई पैगाम देना चाहें? ऑडियंस को बस यार यही है कि अपना लगे रहो, ठीक है, काम के अंदर जो भी कर रहे हो दिल लगा के करो, सही है, बंदा डिमोटिवेट होता है पहले पहले फल नहीं मिलता होता, ठीक है, जब बंदा लगा रहे ना एक टाइम आता है बंदे को उसका फल जरूर मिलता है, चाहे 2 साल बाद मिले चाहे 10 साल बाद मिले, लेकिन मिलता जरूर है, ये बात माननी क्या मेरे साथ खुद हुई है, मैं भी समझता था कि भाई हमें कुछ नहीं मिलना, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह का भाई लाख लाख शुक्र है, जितना भी जो भी है ना 40-50 हज़ार व्यूज आ रहे हैं, ये भी उपकार से बढ़ के आ रहे हैं, कभी कभी सोचा ही नहीं था ये चीज रहेगी ना, कभी नहीं सोचा था, कसम से ख्वाब आते होते थे वैसे ही, कभी सो रहे हैं कि भाई हमें इतने व्यूज आएंगे लाख में के लगेगा हमारे आगे, कभी हमने के लगाया देखा ही नहीं, 100, 200, 900 भी कभी गया, 600-700 भाई इतने व्यूज थे, पर अल्लाह का शुक्र है भाई इतने व्यूज आ रहे हैं। अच्छा फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका, कोई गेम वगैरह करते हैं? मेरा क्रिकेट में विराट कोहली, विराट कोहली बस, उससे अच्छा मुझे कोई यार फेवरेट है नहीं, उसके बाद सेकंड नंबर पे धोनी फिर बाबर आजम। अच्छा आपको मतलब कि क्रिकेट पसंद है? गेम नहीं, मुझे गेम में रेसलिंग देखा था पहले, उसके बाद क्रिकेट जो वर्ल्ड कप हो जाए वही चीजें देखता हूं, उसके अलावा देखता। हॉबीज क्या है आपकी? हॉबीज मेरी फिलहाल तो यार हॉबीज क्या बताऊं आपको, बस ब्लॉगिंग ही है, वीडियो बनाना, सो लिया बस ये चीज है, अपना भी काम वगैरह कर लिए। अच्छा आपका दिन जो है वो किस तरह गुजरता है? दिन मेरा बहुत सुबह उठ के सुबह नमाज वगैरह पढ़ी है फजर की, उसके बाद खाना नमाज वगैरह पढ़ी है, फिर नाश्ता करके मैं दोबारा सोना होता है, जब यूनिवर्सिटी ओपन होती है फिर क्लासेस वगैरह, ठीक है, 1-2 बजे वहां से आना, फिर आगे जो वीडियो होती है घर वर्क काम शाम कर लिए, ठीक है, शाम को फिर दोस्त का। अच्छा नेक्स्ट जो आप करोगे टूर, मतलब जो भी फ्यूचर में अकेले ही करोगे या किसी और को? हाँ ये चीज मैंने बतानी है, आगे जो भी मैंने वीडियो बना रही है वो मैंने अकेले बनानी है, इससे मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिया है, दो लोगों के साथ ना बंदे की मैच नहीं होती, ऐसे ही है, उसकी साइज अलग होती है हमारी अलग होती है, वो कोई कुछ सोच रहा होता है मैं कुछ सोच रहा होता हूँ, और बंदा यार
मैं तो मेरी आदत बन गई है, ठीक है मैं जाता हूँ, मुझे पता है कि भाई मेरे मेरा शौक है, मेरा चैनल है, मैंने करना ही करना है, करना ही मैं करना थकूँ हरूँ जो मर्जी मैंने करना करना है। साथ वाला यार सोचने लग पड़ता, दरमियान जा गया मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या होगा, मैं थक गया हाँ हूँ, वो अगला अगले को डिमोटिवेट करने लग पड़ता है। तो बंदा बिल्कुल हमेशा जो भी करता है ना, बंदा अकेला करे, किसी और पे बिल्कुल बंदा डिपेंड ही ना हो। ये बंदा जब बात किसी और पे डिपेंड होता है ना, बंदा हमेशा नाकाम होता है। हमेशा ऐसे अल्लाह पे डिपेंड हो, अल्लाह पे रखो, अपना जो करना है माशाल्लाह करो, बहुत अकेला अच्छी। करो। चलिए ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, और कोई लास्ट पैगाम आप जो देना चाहें। बस वो पहले भी दे दिया, बस अपना लगे रहो, जो भी काम कर रहे हो सिंसियर हो उसके साथ। सही है बाकी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो यार सारे, थैंक यू ठीक सो है, मच, कोई कर जजाकअल्लाह। दो जितने जिसके सामने वीडियो आती है। ठीक है मोहम्मद भाई, ठीक इंशाल्लाह फिर वगैरह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज़।